यह 78 लोकसभा भदोही, यहाँ से हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। और रमेश बिंद जी मिर्जापुर से आए और चुनाव जीत के यहाँ से गए। विकास के मुद्दे पर वह बताएं कौन सा विकास उन्होंने, या इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, कौन सा भदोही लोकसभा में किस प्रकार का विकास किया गया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भदोही जिले में जंग छिड़ गई है। बाहरी व भीतरी का कार्ड खेला जा रहा है। आज भदोही शहर के घमहापुर में कई बार के सभासद रहे एडवोकेट महेंद्र बिंद ने एक प्रेस वार्ता कर बाहरी जनप्रतिनिधियों से सावधान रहने की बात कही है। कहा कि बाहरी जनप्रतिनिधियों ने भदोही को बर्बाद कर दिया है। कहा कि बगैर स्थानीय जनप्रतिनिधि के भदोही का विकास संभव नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच एडवोकेट महेंद्र बिंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से भदोही लोकसभा 78 से टिकट की मांग करेंगे और लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरकर ताल ठोकेंगे। कहा कि बाहरी जनप्रतिनिधियों ने भदोही के विकास को लेकर कोई पहल नहीं की। कालीन कारोबार लगातार यहां का बर्बाद होता गया। जीत कर आने वाला बाहरी जनप्रतिनिधि अपनी झोली भर कर चला जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान एडवोकेट महेंद्र बिंद ने बाहरी जनप्रतिनिधियों को लेकर बड़ा हल्ला बोला है। भदोही शहर के घमहापुर में प्रेस वार्ता के दौरान एडवोकेट महेंद्र बिंद ने कहा कि भदोही में कोई कल कारखाने नहीं लगाए गए, बल्कि भदोही शहर के इंदिरा मिल में कांग्रेस शासन काल में बनी भदोही उलन मिल इंदिरा मिल को बेच दिया गया। औराई में लगी चीनी मिल बंद कर दी गई। चीनी मिल से हजारों परिवार को नौकरी मिली थी, लेकिन बाहरी जनप्रतिनिधियों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कल कारखाने लगाने के बजाय भदोही जिले में स्थापित कारखानों को बेच दिया गया। कहा कि भदोही के जनप्रतिनिधियों ने जिले की समस्याओं को सदन में रखने में नाकाम रहे। बिंद सहित तमाम समाज की समस्याएं आज भी बरकरार हैं, लेकिन भदोही से जीत कर जाने वाले जनप्रतिनिधियों ने इस पर आवाज नहीं उठाई। बिंद समाज के जनप्रतिनिधियों पर हल्ला बोलते हुए कहा कि चुनाव जीत कर जाने वाले ऐसे जनप्रतिनिधियों ने भदोही को उपेक्षित रखा है, लोकसभा में भी आवाज नहीं उठा पाए। ताल ठोकते हुए महेंद्र बिंद ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। भले ही अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल न बजा हो, लेकिन भदोही में एडवोकेट महेंद्र कुमार बिंद ने भाजपा से दावेदारी कर दी है। सभासद से लोकसभा सपना सजोए एडवोकेट महेंद्र बिंद घमहापुर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर बुधवार को सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि भदोही लोकसभा 78 से भाजपा से टिकट मांगने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है और टिकट के इस फेहरिस्त में भदोही के कई दिग्गज भी शामिल है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रमेश चंद बिंद सांसद हैं। हालांकि समय समय पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद पर भदोही से दूरी बनाए जाने का भी आरोप लगता रहा। माना जा रहा है कि इसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में दिग्गज दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एडवोकेट महेंद्र बिंद पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने प्रेस वार्ता कर भाजपा से चुनाव लड़ने का संभावित उम्मीदवार बताते हुए ऐलान कर दिया है और बाहरी जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए ताबड़तोड़ कई आरोप लगा दिए हैं। यह 78 लोकसभा भदोही, यहाँ से हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए हैं लोकसभा के, उन्होंने अपनी बात को लोकसभा में उठाने में काफी हिचक रखी। यहाँ पर हमारा कालीन उद्योग का चौपट हो रहा है, यहाँ पर विकास की योजनाएं नहीं आ पाई हैं। अगर देखा जाए यहीं धरातल पर तो लोग बाहर से आके चुनाव जीत जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भदोही में न तो कोई इंडस्ट्री लगाई गई, न कोई फैक्ट्री लगाई गई, न तो किसी प्रकार का रोजगार मुहैया कराया गया। एक भी मिल फैक्ट्री नहीं लगाई गई। कांग्रेस के सर जमाने में एक इंदिरा मिल का उद्घाटन हुआ था भदोही उलन मिल का, वह भी बेच दिया गया। एक यहाँ गन्ना मिल चल रही थी औराई में चीनी मिल, जो कि उसको भी बेच दिया गया। बेचा नहीं गया तो एक हिसाब से उसके पार्ट पुर्जो को बेच दिया गया। लोग चुनाव जीतते हैं फिर जा करके वो अपना ऐशो आराम में जुट जाते। यह लोकसभा 78 आने वाले समय में 2024 में मैं भावी उम्मीदवार हूं और चुनाव लड़ूंगा।
और रमेश बिंद जी मिर्जापुर से आए और चुनाव जीत के यहाँ से गए। विकास के मुद्दे पर वो बताएं कौन सा विकास उन्होंने, या इनका चार साल का कार्यकाल पूरा हुआ, कौन सा भदोही लोकसभा में किस प्रकार का विकास किया गया। हम तो यहाँ तक कहेंगे डिपो बना है जमनीपुर में, आप लोग देखते होंगे, आज तक बस का संचालन नहीं हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं भाई।